है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों, बिहार से बहुत बड़ी खुशखबरी है। 4050 वैकेंसी जो क्लियर हुई थी परसों ही दोस्तों, उसका रिजल्ट आने के बाद अब ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है। दोस्तों, इतना जल्दी कार्य कर देगा और ऐसा किसी को भी अनुमान नहीं था, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बम्पर मौका है दोस्तों CHO बनने का बिहार के अंदर। आप लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन चुके हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर करने जा रहा हूं। अब दोस्तों, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अब ज़िले में कहां जाना है, वहां रहने के लिए क्या करना है, डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं, स्टाम्प बोर्ड का क्या करना है, मेडिकल कहां से बनवाएं, करेक्टर सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, पुलिस वेरिफिकेशन होगा क्या। तो दोस्तों, ये सारे डाउट थे आप सभी लोगों के, तो ये सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ आपके। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बिहार का आधिकारिक ग्रुप है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिया हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं उस नोटिफिकेशन में जो आपको एक ज्वाइनिंग डेट के रूप में देखा जाएगा। दोस्तों, ये है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से आप लोगों का एक ज्वाइनिंग लेटर। दोस्तों, इसके अंदर आप लोगों के सारे नाम मेंशन किए गए हैं, नेम ऑफ CHA, एप्लीकेशन नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था एनरोलमेंट नंबर की जगह एप्लीकेशन नंबर आप लोगों का होगा, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्टेड कैटेगरी और पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट भी इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों, अब नीचे इसको PDF को नीचे ले चलते हैं और उसके अंदर देखते हैं आप लोगों को टाइम क्या दिया गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने आपसे मांगी है। दोस्तों, सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं दिनांक 24 दिसंबर 2022 तक अपना योगदान अपने नाम के सामने स्तंभ 6 में आवंटित जिला में देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले 24 दिसंबर 2022, दोस्तों उससे पहले पहले आप लोगों को जो जिला आपको अलॉट हुआ है वहाँ आना है। आने के बाद दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS जिला स्वास्थ्य समिति का एड्रेस पूछने के बाद वहाँ आपको एक आवेदन और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उस डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट आप ज़रूर तैयार कर लें। उनकी फ़ोटोकॉपी आपको तैयार करनी है, ओरिजिनल लेके आना है साथ में। कुछ जिले डिमांड करते हैं, कुछ जिले डिमांड नहीं करते हैं। तो दोस्तों, 24 दिसंबर 2022 से पहले पहले वहाँ आप पहुँच जाइए, ताकि आपको उस दिन से सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, आवेदन का प्रारूप मैंने ग्रुप में भेज दिया है, अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो फिर से ऐड हो जाएँ, मैं आपको फिर से वो प्रारूप भेज दूँगा। वो आवेदन आप लोगों को देना है। योगदान के पश्चात 1000 रुपये का आपको स्टाम्प पेपर, जो कि राजस्थान UP कहीं से नहीं लाना है, उसी ज़िले में उसी कोर्ट से आपको एक ई स्टाम्प मिलेगा 1000 रुपीज़ का। उसको खाली स्टाम्प लेके आना है। वो खाली स्टाम्प जो आपके जिला स्वास्थ्य समिति में जो टाइपिस्ट होते हैं वो टाइप करके ऑटोमेटिकली आपको दे देंगे, आपको सिर्फ साइन करना है उसके अंदर। इसके अलावा बात करें, CHO अभ्यर्थी कोई पहले सरकारी सेवा में है, उसको NOC लेना है। दोस्तों, 11 माह का समय जो है वो आपको पाबंद किया जाता है इसके अंदर, उसके बाद आपका अच्छा कार्य रहता है तो 60 साल तक की ये नौकरी होती है। संविदागत पोस्ट है दोस्तों। इसके अलावा सारे सत्यापन करवाने हैं। BNRC का मेन पॉइंट जो है दोस्तों, 3 महीने तक आप BNRC जमा करवाएँ 3 महीने के अंदर अंदर। अगर 3 महीने के अंदर भी जमा नहीं करवाते हैं, उसके बाद आपकी सैलरी विदहोल्ड कर दी जाएगी। दोस्तों, ये बिल्कुल ये पॉइंट्स वही है, आपको एकदम ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स पे मैं और चर्चा करता हूँ। तो पहले बिंदु पे मैंने बात कर ली है, ज़िले में कहाँ जाना है। जो दूसरा बिंदु है, वहाँ रहने के लिए क्या करना है। दोस्तों, वहाँ पे आपको रहने के लिए सेल्फ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ दिन आप लोग होटल या फिर रेस्टोरेंट या फिर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को ब्लॉक जैसे ही डिवाइड होगा, जैसे ही आप लोगों को ब्लॉक SWC मिलेगा, उस ब्लॉक के अंदर आप आराम से रह सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं, दोस्तों डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाने हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेनी है। जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिखाए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने हैं। स्टाम्प बॉन्ड का मैंने आपको बता दिया है। मेडिकल कहाँ से बनवाना है, मेडिकल आप अपनी जगह से ना बनवा के लाएं दोस्तों, वो मेडिकल मान्य नहीं होगा। मेडिकल उसी ज़िले का, उसी सिविल सर्जन का मान्य होगा। तो दोस्तों, वहीं से आप लोगों को मेडिकल बनवाना है, सिविल सर्जन कार्यालय से। दोस्तों, इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं और पुलिस वेरिफिकेशन होगा क्या। पुलिस वेरिफिकेशन इसमें नहीं होता है दोस्तों। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से मिलता है, कि आपका कॉलेज के अंदर करेक्टर सर्टिफिकेट जो मिला है उसी को लेके आना है, वही आपको यहाँ पे दिखाना है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को है, हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी 4-5 जिलों की डाली है, वहाँ पे ऑलरेडी CHOs हैं हम लोगों के। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके जुड़ सकते हैं। सारे डाउट्स मैं आपको ग्रुप में क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।